और अगर मैं ना दूं तो तो छीन के ले जाऊंगा। This is Dev. Dev, this is my father. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आओ बेटा बैठो। जी आओ बैठो, यहाँ बैठो। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, बेचारी चलते चलते घिस गई। देव, थैंक्स अंजलि। दरअसल अंजलि चाहती थी कि मैं आपके सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर दाढ़ी वाड़ी बनाकर मुंह पर ताला लगा कर आऊं। डरती थी कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे आप? मैं हूं सब हूं। वैसे तुम हो क्या? कोई खास नहीं, एक मामूली आदमी हूं जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, ना धन दौलत ना खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है, वही मांगने आया हूं। और अगर मैं ना दूं तो तो छीन के ले जाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहले देखा तो मुझे लगा कि तुम बददिमाग हो, लेकिन अब एहसास हुआ कि तुम सिर्फ बददिमाग ही नहीं बल्कि बदतमीज और जाहिल आदमी हो, जिसे ना अपने गुजरे हुए कल का पता है और ना आने वाले कल का। अंजलि, ये है तुम्हारी पसंद? तो तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, जो अपना और तुम्हारा पेट पालने के लिए तुम्हारे बाप के फेंके हुए टुकड़ों का मोहताज रहेगा। ये है इसकी औकात। आपकी औकात क्या है? आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, तो आपने अपनी औकात ऊंची कर दी। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए, किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? गरीब कौन है, मैं या आप? रईस कौन हुआ, आप Get out. Papa, Dev. Out. Dev, तुम चलो. Get out. Dev, out. Out of my house and out of my child's life.